बोलो चलो चलो हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे बोलो, हैप्पी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे बर्थडे दादा दादा जी जी। ये चलो 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 काटो काटो करो जल्दी काटो, नहीं 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 पापा के साथ काटो ना, जल्दी काटो। अच्छा ठीक है ठीक, खुद खुद से काटो, खुद से काटो, सीधा तो करो उसको, खुद से काटो। हैप्पी बर्थडे बीवा, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे, हैप्पी बर्थडे बीवा, हैप्पी बर्थडे वीवा, लो अच्छे कैसा है, यम्मी हेलो कैसा कैसा अच्छे अच्छे बोलो यम्मी, खान दो इसको। विवान विवान को इसमें दिए, देखो कैसे कैसे खा रहा है। मैं थोड़ा सा बड़ी मुश्किल से बचा के मैंने फ्रिज में रखा, थोड़ा दिया है इसको। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। समय हो रहा है वैसे ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं, 10 मिनट है 12 बजने को। मैं टाइम इसलिए बताती हूँ ताकि टाइम से जब ब्लॉग बनता है तो टाइम मुझे भी याद रहता है और आप लोगों को भी मैं बता देती हूँ। आज सैटरडे है और आज का ब्लॉग हमारा ऑलमोस्ट 12 बजे से स्टार्ट हो रहा है, और आज है विवान के दादा का हैप्पी बर्थडे, और कल से इसने बहुत ज़्यादा ऐसा बोला था केक 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 खाना है, हैप्पी बर्थडे टू यू खाना है, हैप्पी बर्थडे टू यू खाना है। तो अभी इसके लिए केक में विवान खाओ ना, ऐसे कैसे कर रहे हो आप, खा लो सीधा खाओ ना इसको। तो विवान के लिए इसलिए भी आज हैप्पी बर्थडे वाला विवान के लिए केक, क्या करो तो ऐसे क्यों करो, खा लो चुपचाप आराम से, पूरे दोनों से आपस से इसका क्रीम क्राम बना दी, क्या बना दिया इसका। तो आज सुबह एक तो मैं, मेरा रोज का ये थोड़ा हो गया लेट उठने, आज तो और ज़्यादा लेट उठी हूँ, और उठ के फिर थोड़ा ब्रेकफास्ट बनाया, ब्रेकफास्ट में आज बनाया था मैंने डोसा, और प्रॉपरली मुझसे बन नहीं रहा था, पता नहीं क्यों आज हमेशा बन जाता है, आज नहीं बन रहा था, पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी। और डोसा फिर वजह से तैसे बनाया, हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, तो हस्बैंड अभी थोड़ी देर कुछ मार्केट से सामान लेने गया, और विवान है ये जस्ट, इसको अभी मैं सोच रही थी इसको नहलाना है, बट ये केक ही नहीं छोड़ रहा था, इसको नहलाऊंगी कैसे मैं, और ये केक के पीछे जब तक ख़त्म नहीं ना होगा ये पूरा दिन भर इस केक के पीछे पड़े रहेगा। घर पे कुछ काम नहीं किया मैंने, जस्ट मैं नहा नू के सुबह सुबह फ्रेश फ्रेश हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे बाद में पता होता कि ये भी करना ये भी करना ये भी करना, मैं सुबह सुबह इसलिए नहा के सुबह सुबह फ्रेश हो जाती हूँ, चेंज वेंज कर लेती हूँ, और सुबह की शुरुआत हो चुकी है। तो सैटरडे ऐसे ही स्टार्ट होता है, और आज तो थोड़ा सफाई भी अच्छे से करनी पड़ेगी, वैसे तो ऑलमोस्ट रोज करती हूँ मैं, पर रोज ही विवान थोड़ा ना थोड़ा गंद हो ही जाता, रोज क्या बहुत ज़्यादा हो जाता है यार, बच्चा हर जगह हाथ लगाता हर जगह, कौन हाथ मुझे, अच्छा तो कोई ना कहीं ऐसे ऐसे हो ही जाता है। और आज मेरी बुआ सास जो है उनकी बेटी की शादी है, आज बोलते हैं ना मेहंदी है उनकी, और हम लोग नहीं गए हैं क्योंकि हम जस्ट अभी हम लोग आए हैं, और सब लोग फंक्शन में होंगे, सब लोग फंक्शन में मजे करेंगे आज, लोग हस्बैंड को भी शायद लग रहा होगा, वो तो फंक्शन हमारे कल्चर के फंक्शन अटेंड करने में बहुत 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 ज़्यादा मतलब खुश रहता है। मैं इतना नहीं भी ठीक है ओके वाला सीन है कि नहीं होगा तो कोई बात नहीं, बट इनको बड़ा लगता है, तो अभी भी इनको शायद लग रहा होगा कि हाँ सब लोग फंक्शन में होंगे, ऐसा होगा ऐसा होगा। एनीवेज जो भी है, जब बाहर रहना है तो क्या कर सकते हैं, और ऐसी दुविधाएँ हैं, दुविधाएँ क्या बोलते हैं, दुविधा, ऐसी दुविधा है। विवान ये बहुत गंद फेंकता है यार, ये क्या किया अभी, ये क्यों गिरा रहे नीचे आप, हाँ चलो नहीं नहीं करने चलो 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 नहीं नहीं, मैं जस्ट नहाने लेके जा रही थी बट अब लाइट ही नहीं है, लाइट चली गई है, तो इन्वर्टर तो है बट वो रोड बोल रही हूँ, गीजर चलेगा नहीं, और ठंडे पानी से लाइट नहीं है ना बच्चे, तभी तो बोल रही हूँ मैं, कहाँ है लाइट बताओ, इधर आओ मेरे पास, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, जिधर इधर मेरे पास है, पानी क्या है ऊपर, ठंडा ठंडा पानी, पानी ठंडा है ना, ये जो आप ये क्या मंकी बने हो आप, ये क्या मंकी बने हो, व्हाट इज योर नेम, जिजम, अब यार वेट करना पड़ेगा लाइट पता नहीं कब आएगी यार, बहुत गर्म है यार ये तो, अभी बनाए थे क्या, देखो ये ओस पड़े वो पड़ा हुआ है इसका, जो अभी फ्रेश फ्रेश बना के ही उसने रखे थे, वाह यार बिल्कुल फ्रेश है ना, कितने का दिया ये, 30 रुपए का, 40 रुपीज का, अच्छा ये के लिए क्या गए आप, अच्छा पफ लाए, पफ है क्या ये, अच्छा ठीक है,
तो विवान का नहाना नहीं हुआ इसलिए मैंने पूरे घर में अच्छे से सफाई कर दी है। और विवान ने जब से केक देखा है वो हर थोड़ी थोड़ी देर बाद मुझे बोल रहा है फ्रिज ओपन करो मुझे केक खाना है, फ्रिज ओपन करो मुझे केक खाना है। और मैं चम्मच से दे रही हूँ और वो इस तरह से लेके हर बार भाग जा रहा है। अब जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक ये खाते रहेगा। तो अब बना रही हूँ मैं चाय और हस्बैंड भी घर पे ना, और दिन में ना जब हस्बैंड घर पे होते हैं 2 या 3 बार चाय बनती है, मैक्सिमम 3 बार तो बनती है। तो चाय के लिए तो आपको पता है कि चाय के बिना रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये हस्बैंड को मैंने चाय दी और ये पी रही हूँ चाय टीवी देखते देखते। विवान कर रहा है मस्ती, ये ऐसे ही कूदता रहता है। कौन है मंकी? हस्बैंड बना रहे हैं खाना, ये बन रहा है। ये ना हिमाचल में जो बड़ी नहीं होती है फ्राई करके रखी है। मंकी कौन है विवान? यार लाइट भी नहीं आ रही, नहाना था इसको यार। और ये है मेरे मंदिर के बर्तन, तो मैंने पानी में ना नींबू डाला था और देखो कितना साफ ये प्लेट हो गया। तो मैंने कहा जब आप लोग से शेयर करती हूँ तो ये बहुत साफ हो जाती है। पानी तो आपका इतना चावल खाएगा कौन यार? कितने दिन, 4-5 दिन चलाने हैं क्या जब आपने ये 24,000 चावल डाल दिए हैं? कल खत्म क्या हो जाएंगे यार? पूरा ये कढ़ाई भर के चावल बना दिए आपने यार, क्यों नहीं होगा? दरवाजा बंद करो। ये ना मैंने फिर से ब्लाउज दिया था उसको ठीक करने के लिए, और मैं सोई थी, जस्ट अभी उठी हूँ और फिर से उसने ठीक किया यहाँ से थोड़ा सा, फिर से ठीक किया। और हस्बैंड ना बाहर गए थे, वो खड़े वहाँ पे, तो उन्होंने वो लेके बैठ जाओ इधर। और ये रही मेरी साड़ी, ये देखो ये साड़ी है और ये इसके साथ ब्लाउज है, ये दिया था तो ये बन के आ गया। और मैं आपको पहन के दिखाती हूँ ना कैसा लग रहा है। मैं तो अभी सोई थी, उस 6 बज के मुझे पता ही नहीं चला, जस्ट मैंने अभी उठ के और ये देखा तो ये लेके आ गए थे। और बोलते रास्ते में मुझे आवाज़ लगा रहे थे वो। तो मैं चलो दिखाती हूँ आपको पहन के कैसी लग रही है साड़ी। इसमें तो पता नहीं कैसी दिख रही है, बट अगर ओरिजिनल में आप देखोगे तो मुझे काफ़ी अच्छा इसका कलर लग रहा है। सो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी साड़ी कैसी लग रही है। अभी ना मैंने ऐसे जैसे उठ के मैंने मुंह वगैरह में तैयार में ऐसे से पहनी, मैंने फटाफट ऐसे लपेट ली और इसको अच्छे से मैं मतलब पहले इसकी जो प्लेट्स है वो प्रेस प्रेस करके फिर अच्छी लगेगी। और ये देखो हाँ अच्छी लग रही है। उसने ब्लाउज भी थोड़ा मुझे ठीक ही लग रहा है, अच्छे से उसने फिट किया हुआ है, फिटिंग की हुई है, ठीक है। हमारे घर में दिन हो रात हो सुबह हो बस यही चलता है, कार्टून। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और ये है सुबह का टाइम और ये विवान देखो फिर से शरारत, कुछ ना कुछ करना ही करना होता है इसको। नए शूज मैंने यार अंदर रख दिया ना, क्या पता कपड़े फिर बाहर से ना हो जाए। एक बार उसमें चेक करूंगी शायद उसमें ना हो गलती से, वो एक पैंट भी मेरे को मिसिंग लग रही है यार। हेलो एवरीवन, अभी आज हम लोग ना फिर से जा रहे हैं ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, क्योंकि हमारा कुछ ना कुछ सामान ख़त्म हो जाता है। कल सैटरडे था, कल गए नहीं हम लोग, तो आज मॉर्निंग में अभी हम लोग जा रहे हैं ग्रोसरी शॉपिंग करने। और थोड़ा बहुत ऐसे भी थोड़ी आउटिंग भी हो जाएगी। तो मैं हो गई तैयार, विवान हो गया तैयार और अब हम लोग निकलने वाले हैं। आप लोगों को तो पता है मेरे पास सिर्फ संडे का टाइम होता है जब मैं बाहर जा कर सामान ला सकती हूँ। एक सेकेंड यार, ये बैग ले लेती हूँ ना। आज जितना भी सामान अगर कुछ मिसिंग है घर पे नहीं है, मिसिंग बोल रही हूँ, नहीं है सामान, वो आज ही लाना होगा, फिर आगे पीछे जाया नहीं जाता ना। नहीं तो पीछे क्यों बैठे हो आप? आगे आ जाओ ना, आगे आ जाओ ना। क्यों पीछे बैठ गए? आराम से देख ला। अच्छा देखो मैं तो अच्छा मेरे पापा करे, पहले पापा 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 करे। हम 2-2.5 घंटों से वेट कर रहे हैं, बिलिंग हो ही नहीं रही है, काउंटर बंद हो गए हैं, पता नहीं चल ही नहीं रहा। और इतनी देर से वेट कर रहे हैं हम लोग, कुछ हालत ख़राब हो गया है। और ये सोचते हम लोग घर वापस आ गए, उनको फ़ोन नंबर दिया और हम लोग घर वापस आ रहे हैं, क्योंकि नहीं हो पाता बहुत देर, 2.5 घंटे विमान को संभालना वहाँ बहुत मुश्किल हो गया था, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, इसलिए हमें सोचा कि हम घर चलते बाद में देखेंगे। हम लोग इतना टाइम खड़े रहे वहाँ पर बट लाइन में और हमारी बिलिंग हुई नहीं,
और ऐसे ऐसे करके बहुत टाइम, कितना 1:30 बज गए, खाना लंच भी नहीं किया हूँ मैं, तो मेरा ब्लॉग कल से ही चल रहा है। तो आज मैं अभी इसी ब्लॉग का मैं एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अभी दिन न्यू ब्लॉग। तो आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा। मैं ऑलरेडी बहुत थक गई हूँ, 2 घंटे खड़े थे हम लोग ना, कितने बजे गए थे हम, 11:30 बजे ना। तो मिलते हैं अभी दिन न्यू ब्लॉग से, 11:30 बजे के अराउंड, हाँ तो 1:30 बज रहा है इस टाइम। तो मिलती हूँ अभी दिन न्यू ब्लॉग। और विवान है पीछे, विवान को नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, सोने का टाइम हो गया इसका। बाय, टेक केयर।